हेलो दोस्तों, क्या आप भी इस बार परीक्षा देंगे? क्या आप भी ये सारे क्वेश्चन लेना चाहते हो? क्या आप भी गेस क्वेश्चन लेना चाहते हो? वीडियो में बने रहना, सारे क्वेश्चन देंगे दोस्तों, जो आपके 2020 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही लाभदायक और इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, मैंने जो शुरू में बातें की हैं दोस्तों, वो सारे बातें लास्ट में भी हो सकती है दोस्तों, और PDF भी दे दूंगा दोस्तों। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लेना, कैसे देंगे कैसे लेंगे बिल्कुल टेंशन ना लेना, वीडियो में बने रहना। अगर आपको 95+ लानी है तब कोई नहीं रोक सकता 95+ लाने की, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो कोई नहीं ला सकती, और अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ले सकती है कोई भी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी इम्प्रेस कर देना, वीडियो पसंद आने पर एक लाइक कर देना। क्वेश्चन है, इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य है? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी मोस्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य इनमें से कौन है? तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रंग भेद की नीति किस देश से संबंधित है? और दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, अगर जो क्वेश्चन आपको याद है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते जाना। रंग भेद की नीति किस देश से संबंधित है दोस्तों? सही जवाब वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, ऑप्शन से इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ था, पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। भारत का संविधान जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, और कई साल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और किस तरीके से पूछे गए हैं, 1949 लिख देंगे, 1950 लिख देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर जो आपको शुरू में लिखा हुआ 26 जनवरी, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त इस तरीके से, तो याद रखना दोस्तों, अगर बिना 26 जनवरी सब नहीं रहे तो 1950 हो जाएगा, अगर पूरी डिटेल रहे तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद से तहत भारत में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त हुआ? जी हाँ दोस्तों, यानी कि कौन सा अनुच्छेद में तहत भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त हुआ? 54 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 19वां अनुच्छेद के नागरिकों में स्वतंत्रता मूल अधिकार प्राप्त हुआ, 19वां अनुच्छेद के तहत में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में नागरी सशक्तिकरण की नीति की घोषणा कब हुई? जी हाँ दोस्तों, भारत में जो नारी सशक्तिकरण जो हुआ था उसकी नीति की घोषणा कब हुआ था? तो दोस्तों अगर पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। वो जो हुआ था दोस्तों वो 2000 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जो नारी सशक्तिकरण की नीति की घोषणा जो था वो 2000 को हुआ था। जी हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी VVI गेस क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, महिलाओं को ब्रिटेन में मताधिकार कब प्राप्त हुआ? महिलाओं को ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन भी एक शहर है ना, ब्रिटेन, लंदन, रूस, अमेरिका, ये सब भी एक शहर आप जानते होंगे, तो महिलाओं को ब्रिटेन में मताधिकार कब प्राप्त हुआ दोस्तों? सही जवाब 1929 ईस्वी में जो है महिलाओं को ब्रिटेन में मताधिकार जो 1928 ईस्वी को प्राप्त हुआ, सॉरी 1928 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, 57 नंबर सवाल है, भारत में कितने भाषा की मान्यता प्राप्त है? मतलब दोस्तों ये जो हमारा भारत जो है, भारत में कितने भाषा की तरह बोले जाते हैं, कितने मान्यता प्राप्त है, तो आइए बात करते हैं इसका आंसर। अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। 57 को जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल 22 तरह के भाषा जो है मान्यता भारत में प्राप्त है, 22 तरह के भाषा भारत में बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का साक्षर दर कितना था? जी हाँ दोस्तों, 2011 में महिलाओं यानी कि जनगणना के अनुसार महिलाओं की जो साक्षर जो था दर था वो कितना था? तो 258 का बिल्कुल सही जो ऑप्शन डी हो जाएगा, 64.6% महिलाओं का दर था। और बात करें 2011 की जनगणना में था इतना, है ना दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अभी, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो दोस्तों पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। हम आपको इसलिए बताने बोले कि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है, और अगर आप इसका आंसर बताते हो तो आपका रिवीजन होता है। अगर मान लें कि आपका आंसर गलत होता है तो आपको एक तरफ से पता भी चल जाता है, और वीडियो में आपको आंसर भी बताया जा रहा है, आपको याद भी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपसे हम कमेंट बॉक्स में आंसर मांग रहे हैं। तो दोस्तों
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? दोस्तों सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा 1990 ईस्वी में जो है आयोग अधिनियम बना था राष्ट्रीय महिला के लिए। अगला क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करें दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1906 ईस्वी में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी बच्चे जो है 1905 मारते हैं लेकिन बिल्कुल गलत है, 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीति आधारित है, भारतीय राजनीति आधारित है, ऑप्शन देखिए नाजीवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, धार्मिक। तो दोस्तों भारतीय राजनीतिक जो हमारा आधारित है वो किस पर है? जातिवाद पर आधारित है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए और आपको इसी तरीके से वीडियो मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया है? जी हाँ दोस्तों, जो धर्मनिरपेक्ष है वो शब्द जो है धर्मनिरपेक्ष वो किस संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया है? तो देखिए 42वां, 52वां और 64वां और 86वां। तो दोस्तों ये जो है किस संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था? 62 का सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहां विकसित की गई है? सत्ता की जो भागीदारी को सर्वोत्तम प्रणाली जो है वो कहां विकसित की गई थी? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बेल्जियम में की गई थी, है ना, बेल्जियम में की गई थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? सही जवाब ऑप्शन यानी कि ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। थोड़ा सा कॉल आ गया था दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत में शासन व्यवस्था कितने स्तरों पर विभाजित की जाती है? भारत की जो शासन व्यवस्था है वो कितने स्तरों पर विभाजित की जाती है? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 3 स्तर पर जो है विभाजित की जाती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3 स्तर पर विभाजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब प्रारंभ हुआ? मतलब दोस्तों प्रथम युद्ध जो हुआ था वो प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 66 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1914 ईस्वी को हुआ था, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स कहाँ के निवासी थे? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी मोस्ट है, आपने याद किया होगा कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन आपका यहां पर पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स कहां के निवासी थे, ये भी इसका राइट आंसर जर्मनी में हुआ। जब कार्ल मार्क्स जर्मनी में ही पैदा हुआ तो वो निवासी कहां के होंगे? जर्मनी के ही होंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? जी हाँ दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों पता है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 ईस्वी को हुआ था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, असहयोग आंदोलन, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस देखते हैं कितने कितने बच्चों को ये क्वेश्चन याद है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? तो 1969 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, यानी कि इंग्लैंड से जो है औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। 70 नंबर सवाल, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए 1 मई, जून और 1 अप्रैल, 1 अगस्त। तो मजदूर दिवस जो है दोस्तों वो 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यानी कि जनसंख्या आदमी की बढ़ोतरी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ग्राम, कस्बा, नगर और महानगर में। तो दोस्तों 71 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, महानगर में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, महानगर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या कौन सा है दोस्तों? यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो क्या है? ऑप्शन देखिए, कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय जो पक्षी हमारा है वो क्या हो जाएगा? मयूर, यानी कि मोर उसको बोलते हैं लेकिन हिंदी माध्यम उसको मयूर कहा जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट किसका अयस्क है? जी हाँ दोस्तों, ये आपका भूगोल का है ना, भूगोल का क्वेश्चन से लिया गया है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? देखिए बॉक्साइट जो हमारा है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन और दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कहाँ स्थित थी, यानी कि मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी जो है वो कहाँ थी। तो 74 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राजगृह में, मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी राजगृह में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, महात्मा गांधी जो है वो किस पत्र का संपादन किया था। दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो महात्मा गांधी जो है यंग इंडिया का संपादन किया था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, वह कौन सा सवाल था, वह सवाल जो था असहयोग आंदोलन कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों जितने लोग भी 1920 मारा, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड, और आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, किसी के पास हिम्मत नहीं है जो आपको रोक सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारे क्वेश्चन आप कैसे ले सकते हो। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा वो लास्ट टाइम बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो को देख रहे तो लाइक कर देना वीडियो को। दोस्तों इस वीडियो के नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें जाकर ऐड हो जाना है। ऐड होने पर दोस्तों सारे लोग ऐड हो जाना, और करीब करीब मिलकर सारे लोग बोलना कि सर PDF सेंड कर दीजिए, सारे क्वेश्चन का PDF आपको उस ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूँ दोस्तों, उस ग्रुप जो है उस ग्रुप में कोई चैटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई चैटिंग नहीं होनी चाहिए, वरना मैं ग्रुप को बंद कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जो है बहुत ही खुश हुए होंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, 90 प्लस लाना है तो हमारे बेल आइकन को भी इंप्रेस करिए और चैनल में जाकर विजिट कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।